दीवारी। बच्चों की बढ़ती हुई आकस्मिक मौतें और मानसिक दुर्बलता को रोकने के साथ साथ जन्म से किशोरावस्था के बच्चों के पूरी तरह से शारीरिक विकास के लिए 18 नवंबर को स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यूपी पेडिकॉन 2018 की तरफ से 3 दिवसीय चिकित्सा कुंभ आयोजन लखनऊ में किया जाएगा। आपको बता दें, यह आयोजन 6 साल बाद लखनऊ में किया जा रहा है और इसमें उत्तर प्रदेश भर से सरकारी, निजी, वरिष्ठ डॉक्टर भाग ले रहे हैं। आयोजन का मकसद बाल जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना है और इसके लिए इस चिकित्सा कुंभ में आए प्रदेश भर से डॉक्टरों को बच्चों की बीमारियों को पहचानने के साथ साथ उन्हें बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके अलावा बच्चे स्वयं अपनी देखभाल कर सके और रोगों के लक्षण पहचान कर रोकथाम कर सकने के साथ साथ दूसरों को भी जागरूक कर सके, इस बात की भी पहल की गई है। 3 दिन के इस आयोजन में बच्चों के स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर से पहुंचे डॉक्टरों को आधुनिक तकनीकी से इलाज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जानकारी लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन में दी गई। इस वक्त यहाँ पर अध्यक्ष की हैसियत में बैठा हूँ इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स लखनऊ में, और हम लोग एक पेडिकॉन, एक कार्यशाला, एक बच्चों के डॉक्टरों का कुंभ की तैयारी में है, जो कि 16-17-18 चलेगा और उसमें 1,000 से 1,500 बाल रोग विशेषज्ञ आने वाले हैं, पढ़ाने के लिए भी और पढ़ने के लिए भी। और उसमें हम बताएंगे बच्चों की बीमारियों के बारे में और बचाएंगे बच्चों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनकी नई नई चीज़ें आई हैं जो हम इन प्रैक्टिस अब कर सकते हैं। देखिए, पहला हमारा ध्येय है कि जो वो डॉक्टर्स जो अपने बिजी काम की वजह से बाहर नहीं ट्रेनिंग ले पाते हैं, उनको लखनऊ में एक ही छत के नीचे दे पाएँ। और अगला स्टेप हम लोग उसमें उन डॉक्टर्स को ट्रेन भी कर रहे हैं जो जाके अपने क्षेत्रों में इन माता पिताओं को उनके बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में ट्रेनिंग देंगे। तो एक ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की तरीके से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञों का महाकुंभ हम लोगों ने जो रखा है, ये 5-6 साल बाद हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इसको लखनऊ में होस्ट करें। ये 3 दिन का रहेगा, 16, 17 और 18 का। 16 तारीख को हमने इसी महीने वर्कशॉप्स यानी कार्यशालाएं रखी हैं, जिसमें नवजात शिशु से शुरू करके किशोर अवस्था तक के बच्चों के लिए कई कार्यशालाएं हैं और इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों के विभिन्न रोगों को, चाहे वो मानसिक रोग हो चाहे वो फिजिकल रोग हो, सबको पहचानने की। ये थी हमारे संवाददाता खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे लाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।